वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सर और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ ब्लॉगिंग के बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ब्लॉगिंग में और शुरू करना चाहते हैं ब्लॉगिंग, तो ब्लॉगिंग क्या है और आप उससे कैसे पैसे कमा सकते हो एंड इवन आप कितने दिन में उससे पैसे कमा सकते हो एंड आप ब्लॉगिंग मतलब कौन से प्लेटफॉर्म पर कर सकते हो, जैसे वर्डप्रेस है और गूगल ब्लॉगर है। ठीक है दोस्तों, आपको कौन सा प्लेटफॉर्म ठीक रहेगा। और मैं आज से दोस्तों ब्लॉगिंग सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों आपको मतलब हर ब्लॉगिंग सीरीज़ का जो वीडियो आएगा उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको और आसानी से आप ब्लॉगिंग सीरीज मतलब डीप तरीके से जान सकोगे। तो दोस्तों ब्लॉग कुछ इस तरीके का होता है। और दोस्तों ब्लॉग क्या होता है, मान लो अपने पास आपके पास कोई चीज़ का नॉलेज है, आप मगर टेक्नोलॉजी में आपके पास नॉलेज है या आपके पास दोस्तों आप अगर मैकेनिकल मतलब आपको मैकेनिकल है तो आपके पास मैकेनिकल से रिलेटेड कोई भी नॉलेज है, या आप फार्मर है तो फार्मर का नॉलेज है, अगर आप कोई भी कंपनी बिजनेस अगर आप बिजनेस कोचिंग देते हैं कि बिजनेस कैसे करना है, आपको हर जिस चीज़ का आपके पास नॉलेज हो दोस्तों उस चीज़ को आपको गूगल मतलब ब्लॉगर के माध्यम से शेयर करना होता है। मतलब उस पर पोस्ट लिखना पड़ता है, जैसे कि आप न्यू पोस्ट ऐसे इस तरह के पोस्ट के माध्यम से आप उसको अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हो और दोस्तों उससे आपको पैसे मिलते हैं, उस नॉलेज आपको शेयर करने के पैसे मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, आपको बहुत सारी सेटिंग्स करनी होती है क्योंकि अभी तो कंपटीशन बहुत सारा है ब्लॉगिंग में, तो आपको सारे के सारे सेटिंग SEO गूगल एडवर्ड क्या होता है, एडसेंस क्या होता है, आपको SEO सेटिंग्स कैसे करनी होती है, SEO मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है दोस्तों। तो सारे के सारे मैं वन बाय वन आपको गाइड करता रहूँगा और ब्लॉगिंग की थीम कैसे चेंज करते हैं, कस्टमाइज़ कैसे करते हैं और आपको इर्निंग के लिए एडसेंस कितने दिन में अप्रूवल देगा, मतलब आप अपने ब्लॉग पर कैसे ऐड लगा सकते हो। दोस्तों अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एडसेंस क्या है, इर्निंग्स क्या होती है, मतलब आपको नहीं समझ में आएगा एडवर्ड्स क्या है, क्योंकि नए वर्ड्स है आपके लिए, क्योंकि आप मैंने भी जब दोस्तों ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था तो मुझे भी कुछ नए नए वर्ड्स थे, मुझे नहीं पता कि जब मैंने पूरी तरीके से ब्लॉगिंग सीखा, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, वही सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ ब्लॉगिंग के लिए ब्लॉगिंग में, और आपको बहुत आसानी से आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो आप मान लो ब्लॉगिंग ये होता है जो नॉलेज आपके पास है वो आप शेयर कर रहे हो इंटरनेट के थ्रू और उससे आप पैसे कमा रहे हो। फर्स्ट वीडियो है, मैं आपको दोस्तों फर्स्ट वीडियो है, इससे बाद आपके वीडियो आएगी वन बाय वन वीडियो आएगी। दोस्तों आप मैं इस सीरीज़ में ब्लॉगर जो गूगल ब्लॉगर प्लेटफॉर्म है उस पर मैं आपको ब्लॉगिंग सीरीज मतलब ब्लॉगिंग करके बताने वाला हूँ, क्योंकि वर्डप्रेस पर भी कर सकते हैं दोस्तों, मगर वर्डप्रेस पर आपको क्यों नहीं करना चाहिए। अगर आप नए ब्लॉगर हैं, आप नए बिगिनर्स हैं, तो क्या होता है दोस्तों, आपको CSS जावा HTML लैंग्वेज नहीं पता होती है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है ब्लॉगर के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको पैसे नहीं पे करना पड़ता है, वेब होस्टिंग नहीं लेना पड़ता है, डोमेन में आपको फ्री मिल जाता है ब्लॉगर का, तो आपको पैसे यहाँ पे खर्च करने की बात ही नहीं आती है यार। अगर आप वर्डप्रेस पे जाओगे सीधा, फर्स्ट टाइम ही वर्डप्रेस पे जाओगे तो वहाँ पे जो प्लगइन्स होती है वो महंगी होती है, आपको प्लगइन्स पे महंगी लेना पड़ेगा, हर एक चीज़ वर्डप्रेस पर आपको पैसे देके खरीदनी पड़ेगी। अगर आपको कोई भी लैंग्वेज का नॉलेज नहीं होता है तो आप उसमें फंस जाओगे एंड आप उसमें सक्सेस भी नहीं हो पाओगे, आप पैसे भी चले जाएंगे। इसलिए ये ब्लॉगिंग फ्री वाला प्लेटफॉर्म है, इस पर आप सीख लो कैसे लैंग्वेज होती है, कैसे थीम डिज़ाइन होती है। तो दोस्तों बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी सबसे मतलब टाइट है ब्लॉगर पे, क्योंकि ब्लॉगर एक गूगल का प्लेटफॉर्म है, तो गूगल सारे जो वेबसाइट होते हैं गूगल पर ही रन होते हैं एंड गूगल को पता होता है कि कौन सी मतलब हैकर कहाँ से है एंड कहाँ से आ रहा है, क्योंकि सारे तो वेबसाइट गूगल पर ही रन होते हैं, इसलिए गूगल को सब पता है, इसलिए ब्लॉगर कोई भी हैकर क्रैक नहीं कर सकता है। एंड वर्डप्रेस का कैसा होता है दोस्तों, वर्डप्रेस वाले आपको हर एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं और वो उनका कहना है कि जो मतलब आपकी वेबसाइट है तो आप ही ओनर है एंड जो भी हो जाएगा आपकी वेबसाइट हैक हो जाएगी या कुछ भी क्रैक कर लेंगे कुछ भी हो जाएगा तो वो आपकी जिम्मेदारी, आप हमारी कुछ जिम्मेदारी नहीं है, मतलब आपकी वेबसाइट को कुछ भी हो जाए हम मतलब उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ब्लॉगिंग का ब्लॉगर का ऐसा नहीं होता दोस्तों, ब्लॉगर का गूगल जिम्मेदारी लेता है एंड ब्लॉगर अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्री में। तो हम ब्लॉगर प्लेटफॉर्म की बात करने वाले इस वीडियो में, और दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है तो मैं आप इस वीडियो में तो यहाँ से एंड करता हूँ एंड जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं एंड उस पर पोस्ट कैसे लिखते हैं, तो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाएगा दोस्तों। तो इस सीरीज़ में जुड़े रहिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर प्रेस करिए, क्योंकि आपको बेल आइकन पर प्रेस करोगे तो ही नोटिफिकेशन आएगा हर एक वीडियो का और आप सीख सकोगे।